आई फिर बात। आज का जो मेरा टॉपिक है बात करें बेसिक होती है और इसका कब स्टार्ट है। हम बात करते हैं इसमें बेसिकली होता है रिप्रोडक्टिव फेज है फीमेल्स का बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, लेकिन उसका जो पीरियड है बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। ये बिल्कुल तकरीबन जो पीरियड स्टार्ट होता है 5 की अगर इसके अकॉर्डिंग चले, ऐसा ड्यूरेशन जो है वो उसके हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी बॉडी पे चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं हार्मोन्स में मत के, तो उस वो जेस्ट्रोन का लेवल जो है वो कम हो जाता है और इस पर चेंजिंग का वुमेन्स की फिजियोलॉजी के ऊपर जो कि हेल्थ और उसके स्टेटस। इसमें इस दिस कंडीशन बेसिकली होता क्या है कि ऑब्वियसली फीमेल्स का जो है वो यूट्रस है वो बिल्कुल स्मॉल हो जाता है, प्रोटिक हो जाता है, ट्रॉफी आफ्टर बिल्कुल हो जाती है, ओवरीज में देखते तो ओवरीज स्मॉल हो जाती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। अकॉर्डिंग देखा म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि ना को वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है, सिक्रीशन है म्यूकस मेम्ब्रेन की जो है वो बिल्कुल से वजाइना है वो इस कंडीशन में ड्राई हो जाता है, इसके स्किन के क्वालिटी लॉस हो जाती है, स्किन जो है बिल्कुल थिन हो जाती है, लास्टिन जो है लॉस हो जाता है, कोलेजन जो स्किन बेसिकली फिर एड करके रखा होता है वो भी कम हो जाता है इस ड्यूरेशन में, शरीर का जो वेट बढ़ जाता है को बाद में रेगुलर देखा जाए तो चेंज होना स्टार्ट होते हैं, हेयर जो है वो ड्राई हो जाते हैं, हेयर का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है एस्ट्रोजन के लेवल कम होने की वजह से, और देखा जाए तो कुछ फेस में क्या होता है कि वॉइस जो डीपर होना स्टार्ट हो जाती है थिकनिंग अगर देखा जाए तो। इसके सारी औरतों के ड्यूरेशन के बाद जो है वो पसीने आना स्टार्ट हो जाते हैं मोस्टली फेस में नेक डे में लाइट में है वो सा फील होता है, जो है वो नाइट टाइम जो है उसी भी टाइम उनको जो है वो स्वेट स्टार्ट हो जाती है, उसको या तो पालपिटेशन बढ़ जाए तो हेडेक एबिलिटी फटी इंसोम्निया ये इसकी जो है वो कंडीशन आ जाए। मैंने फीमेल्स में इतना होता है, इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो इसमें जो है वो अपने पास तब क्या आ जाता है करते हैं कि कौन सी वो बेटर फील अपने आप जब रहता है तो इनको एम्पल अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, उनकी बॉडी चेंजिंग करने को चेंज करना पड़ेगा, एंड अगर हम बात करें तो एस्ट्रोजन डेफिसिट होती है हमारा हार्मोन है जिसमें काम करते हैं हमारी बोन्स को प्रोटेक्ट करना होता है। इसके अलावा हम देखा जाए तो बास जो सिम्टम्स आते हैं इसमें पालपिटेशन तो स्वेट होना स्टार्ट हो जाता है, ट्रैकिकार्डिया हो जाता है, हार्ट बीट जो है बढ़ते हैं, हाइड्रेशन आ जाता है, इसमें इसमें वो मूवमेंट्स को वो डायरेक्ट लेनी चाहिए जिसमें वो जिसका नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, लाइक अगर देखा जाए तो उसमें प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स उनके अंदर एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है, फाइटोएस्ट्रोजन होता है, 2 to 3 times इसके सर्विंग ग्लास में लेना चाहिए, सोया प्रोडक्ट इंक्लूड करना चाहिए, सोया बीन्स को, सोया मिल्क को, सोया चीज़ को, फर्मेंटेड सोया प्रोडक्ट को लेना चाहिए। इसके अलावा फीमेल्स को जो है वो अपने डाइट के अंदर पोमेग्रेनेट, कॉलीफ्लावर, लेटिस, ब्रोकली वगैरह जो है उसको लास्ट में टेक करना चाहिए। इसके अलावा सनफ्लावर सीड है, पम्पकिन सीड है, उनको ग्राइंड करके डिफरेंट स्मूथीज वगैरह के अंदर ऐड करके लास्ट में इनका जो है वो टेक करना चाहिए फीमेल्स को इस कंडीशन में। सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इस कंडीशन में फीमेल्स को जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड का इंटेक करना चाहिए, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड एक तो बॉडी इन्फ्लेमेशन वगैरह को कम करते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, उनके लिपिड प्रोफाइल को भी जो है वो बड़ी होती है, तो उसको भी ये बेटर करेगा ओमेगा 6 फैटी एसिड। ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सीड्स के अंदर होता है, नट्स के अंदर होता है, फिश जो होती है सालमन वगैरह उसको उसको इंटेक लिया जाए, उसको स्टीम फार्म में लिया जाए ज्यादा अच्छा। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड आई स्किन जॉइंट्स के लिए करते हैं।
इसके अलावा इस कंडीशन में फीमेल्स को क्या करना चाहिए? अच्छा, इसके अलावा इस फीमेल्स को क्या करना चाहिए? ज्यादा वो शुगरी फूड का इंटेक करना चाहिए, क्योंकि शुगरी से बेसिकली होता है क्या है कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, उनको जो है वो अपने मूड को कंट्रोल करने के लिए जो है वो अपने ग्लूकोज को लेवल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाई फाइबर का ग्रीन्स में देखा जाए, होल सीरियल्स ग्रीन, ओट्स है, ओट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ओट्स के अंदर एक मेन कंपाउंड होता है विनैथ्रामाइड, वैसे तो इसमें मेन फाइबर होता है फाइबर, डाइट्री फाइबर होता है जो कि लिक्विडिटी के तौर पर काम करता है, साइटी फीलिंग ऑफ फैट्स को जो है करता है, इसके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम इंडेक्स का कम होता है, तो ये अच्छा सोर्स फाइबर का, रिच से बैड टॉक्सिन रिमूव करते हैं। इसके अलावा है इसमें कंडीशन मतलब फ्रूट्स वेजेस वगैरह कैन टेक करें जिनके अंदर मैग्नीशियम ज्यादा हो। फाइबर इसमें देखा जाए तो इसमें एप्पल आ जाता है, की आ जाता है, गावा आ जाता है, स्ट्रॉबेरी आ जाता है, पपाया आ जाता है, और फ्रूट्स जूस का काम इनटेक करें, फ्रूट्स को प्रेफर करें ज्यादा अच्छा है डाइटली, क्योंकि एग्स एग खुले होल फॉर्म ज्यादा अच्छा है, और उसमें अगर देखा जाए तो इसमें बायोटिन है, कोलिन है, सारे भी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। इसके अलावा फिश का अंडे करें, पल्सेस लें, लास्ट तो यह है कि प्रोटीन है वो होता है पल्सेस के अंदर होती है, लेकिन जो क्वालिटी प्रोटीन होती है उसके बाद वो पल्सेस वगैरह के अंदर होती है, तो बेस्ट ये है कि पल्स जो है कम्बिनेशन में टेक किया जाए, तो पल्सेस में देखा जाए तो एक दाल के अंदर है वो एक माइनस है, बाकी के अंदर है वो कुछ प्रेजेंट हो गया, मतलब एक ही सारे एसेंशियल नहीं होंगे, तो कम लेंगे तो वो आपके जो है वो पूरा कर लेगी रिक्वायरमेंट को। इसके अलावा कैल्शियम मैग्नीशियम रिच डाइट लें, कैल्शियम में देख इसमें डेयरी सोर्स है, नट्स में देख तो आलमंड के अंदर सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, सीड्स में देखा जाए तो सीसम फ्लैक्स सीड है, ये जितने भी सीड्स हैं ये कैल्शियम आयरन का रिच सोर्स है, इनका इनटेक करें, क्योंकि इस कंडीशन में होता क्या है कि हम जो है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाए जॉइंट्स वगैरह से, तो इससे बोन्स जो है वो पोरस होना स्टार्ट होते हैं, तो कैल्शियम का जो है वो रिक्वायरमेंट को पूरा करें। इसके अलावा वाइटामिन डी सनलाइट के थ्रू उसकी किया जाए, वैसे वाइटामिन डी जो है वो एग योक के अंदर भी होता है, होता है कॉड लिवर ऑयल जो है, फिश ऑयल जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है वाइटामिन। इसके अलावा कैल्शियम चाहिए लेकिन साथ वाइटामिन के भी चाहिए होता है बोन्स के, वाइटामिन के बोन की मिनरल जरूरी होती है, तो इस लिहाज से जो है वो चाहिए होता है, जितने भी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर वाइटामिन के होता है, इसका जितने भी वाइटामिन हैं उनका जो है वो कम्बिनेशन में लाजमी जो है इनटेक करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए रिफाइंड हैं, शुगरी है, रिफाइंड फ्लोर है, जो भी है वेट जितना अगर ओबेसिटी का शिकार है तो उसको अवॉइड कर लेके आया जाए, सॉल्ट फूड से जो है अवॉइड किया जाए, कैफीनेटेड जितने जो भी है टी वगैरह कैफीन वगैरह से अवॉइड किया जाए, कार्बोनेटेड ड्रिंक से अवॉइड किया, इसको ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की, तो कैल्शियम का अगर हम बात अच्छा से कैल्शियम ब्रेकफास्ट मील के लिए फीमेल्स को चाहिए कि कोई भी जो है वो मिल्क ले सकते, लाइक आलमंड मिल्क ले लें, सोया मिल्क ले लें, डिफरेंट आ जाता है कोकोनट मिल्क ले लें, उसमें आप पोरिश ओट्स करें, उसमें आप जो है वो डिफरेंट नट्स वगैरह को ऐड करें, सीड्स को ऐड करें उसके पाउडर को, तो ये कम से कम आपको 400 से 800 में देखना देता है। इसके अलावा जो है वो देखा जाए तो फीमेल जो है इस ड्यूरेशन में जब वो डाइट का इंटेक करना चाहिए जो कैल्शियम रिच होती है, ठीक है, तो कैल्शियम बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो कैल्शियम आलमंड में आ जाता है, मिल्क में आ जाता है, योगर्ट में आ जाता है, इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो इसमें आलमंड मिल्क है, सीसम सीड, चिया सीड एक अच्छा सोर्स है, चिया सीड लाइक वो तो हम लंगा की तरह ही होता है, इसमें फाइबर भी ज़्यादा होता है, कैल्शियम ज़्यादा होता है, और दवा ओकरा है, पपाया के अंदर में सकते हैं, रिकॉर्ड वगैरह इनको आप जो है वो फोक्स नट का, फोक्स नट बेसिकली फूल में खाने जाते हैं, सब फ्राई करें, पाउडर बनाए उसको पर चम्मच डस्ट कर, तो ये कर है कैल्शियम। इसके अलावा वाइटामिन डी है, विटामिन डी का बताया कि फिश अंदर होता है, जितने भी अंदर होता है वो कैल्शियम रिच डाइट के लिए, जैसे ये है कि आप पास में क्या होता है कि हो जाए उसके लिए जो है वो म्यूकस सिक्रेशन जो है वो
रहती है, तो उसके बाद ये जो है वो लाल किया। इसके अलावा कहते हैं स्किन जो है इची सी इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ड्राई होना स्टार्ट। तो इसको जो है सीड्स लाइक ओमेगा थ्री वो वाला फ्रूट का अंडे देखना चाहिए, जिसके अंदर ओमेगा थ्री मैक्स फैटी एसिड होता है। और सबसे ज्यादा अगर हम फ्रूट देखा जाए तो फ्रूट है जिसके अंदर ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स एसेंशियल ऑयल होता है, और एवोकाडो है उसका इंटेक करें, सीड वगैरह ऑयल जो है वो कर ले लें। इसके अलावा मैग्नीशियम ब्रिस्टाइट, मैग्नीशियम में देख ओकरा के अंदर होता है, किनवा के अंदर होता है, के अंदर होता है, जो भी ब्लैक पीस वगैरह जो भी जो है चिकपी है, चिकपी ब्लैक चिक में देखा जाए तो इसमें मेन कंपाउंड रोल होता है। उसका बेसिकली काम ही क्या होता है कि उसने बैक स्ट्रोक कम करना, अलावा जो है वो फिश वगैरह का इंटेक करें। इसके अलावा जो है पीनट बटर भी ले सकते हैं, योगर्ट है, बनाना एक मैग्नीशियम पोटेशियम का एक अच्छा सोर्स है, रेजिन्स है। तो ये डिफरेंट सोर्सेस से जो है वो फीमेल जो है वो अपनी कैल्शियम मैग्नीशियम वाइटामिन डी की रिक्वायरमेंट जो है उसको पूरा कर सकती हैं। ओके सर, थैंक यू, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया।